आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर दी गई है जिसके अंदर व्हाइट डॉट है और ब्लैक डॉट्स हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है इसके अंदर सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो व्हाइट कलर के ही डॉट्स हैं और यहाँ पे जाके कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटर में व्हाइट डॉट है और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इसके साइड में है, एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर भी सर्कल बन जाता है लेकिन एक डॉट यहाँ से कहाँ चली गई है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पे। और अगर आप देखेंगे तो उसका कलर भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो यहाँ से यहाँ पर जाने में एक डॉट चली गई है कॉर्नर पर और उसका कलर हो गया है ब्लैक। नेक्स्ट फिगर के अंदर देखिए क्या हुआ है, एक और डॉट इस कॉर्नर से कहाँ चली गई है, स्क्वायर के कॉर्नर की तरफ, और ये भी किस कलर की हो गई है, ब्लैक कलर की। मतलब पैटर्न यही है कि जो कोने की तरफ जो ये सर्कल आ रहा है ये चले जाता है स्क्वायर के कॉर्नर की तरफ और हो जाता है कलर चेंज। यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि सर्कल जो है आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, पहले फर्स्ट यहाँ पर, सेकेंड यहाँ पर, तो अब थर्ड कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर। तो ये वाला जो सर्कल है आपका व्हाइट कलर का, ये इस साइड में शिफ्ट होगा तो ऐसे बनेगा और कलर इसका चेंज होगा तो हो जाएगा ब्लैक। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब कौन सा बचता है लास्ट, ये बचता है ये फोर्थ। तो ये जो व्हाइट वाला सर्कल है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे भी आपके पास में जो फिगर आने वाली है उसके अंदर 1 2 3 और 4, ये 4 जगह पे आपके पास आने वाले हैं ब्लैक कलर के डॉट्स और बीच में आपके पास में इस तरीके से 4 व्हाइट डॉट्स बचेंगे, सिर्फ 4। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में 4 व्हाइट डॉट्स, इसमें भी नहीं है, इसमें ब्लैक डॉट्स गायब हो गए। इसके अंदर 1 2 3 4, ये 5, ये ज्यादा डॉट्स हो गए। इसके अंदर देखिए 4 ब्लैक डॉट्स हैं और 4 ही व्हाइट डॉट्स हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो बचता है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इसके अंदर। तो सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके आप पता लगा सकते हैं। अगला जो फिगर है वो इस तरीके से है, यहाँ पे आपके पास में 2 तो स्क्वायर है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला स्क्वायर है। इसके अंदर डिविजन है, पार्टीशन है इस तरीके से, एक के अंदर ऐसा पार्टीशन है, देन नेक्स्ट फिगर के अंदर इसका जो ये एंगल है ये चेंज हो गया है, एक के अंदर इस तरीके से है, देन नेक्स्ट के अंदर इस तरीके से है, फिर से इस तरीके से है और नेक्स्ट के अंदर इस तरीके से है। तो पार्टीशन आपका कुछ इस तरीके से चलने वाला है। तो अगर फर्स्ट फिगर इस साइड से है तो जो थर्ड फिगर होगी वो फिर से ऐसी आएगी, मतलब ऑल्टरनेटिव अगर आप देखेंगे तो 3 के बाद 4 को छोड़ के जो फिफ्थ आएगा, जो आपकी आंसर वाली फिगर होगी, उसके अंदर जो आपके पास स्क्वायर है उसके अंदर लाइन आपकी इसी डायरेक्शन के अंदर होगी। अब दोनों साइड में देखिए क्या क्या फिगर्स बनी हुई हैं। यहां पर आपके पास एक सर्कल है, इसके अंदर प्लस साइन बना हुआ है, इसमें अंदर क्या बना हुआ है, ऐसे क्रॉस के साथ में एक डंडा एक्स्ट्रा है, ठीक है। फिर क्या हुआ है, ये वाला जो फिगर है ये इस साइड में बन गया और इस साइड में सिर्फ सर्कल हटा दिया, प्लस साइन रह गया है, और फिर से नेक्स्ट के अंदर सर्कल में प्लस और इस तरीके का डिजाइन है। मतलब कि जो फर्स्ट वाली और थर्ड वाली फिगर है ये दोनों तो हो गई एक जैसी, ये देखिए ये और ये एक जैसा है और ये नीचे वाला और नीचे वाला एक जैसा है। तो फर्स्ट और थर्ड फिगर जो है ये एक जैसी हो गई है। अब देखते हैं सेकेंड फिगर में प्लस है, फोर्थ के अंदर भी देखिए प्लस साइन है, यहां पर सर्कल के अंदर इस तरीके से है, यहां पर भी 2 सर्कल के अंदर इस तरीके से बना हुआ है। तो यानी सेकेंड और फोर्थ फिगर एक जैसी है। तो मतलब कि ऑल्टरनेटिव जो फिगर्स हमारे पास में है वो ही एक तरह का पैटर्न फॉलो कर रही हैं। तो 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद कौन सी आएगी, फिफ्थ फिगर। तो जो पांचवी फिगर है जो आंसर के अंदर आनी चाहिए वो आपकी कैसी होनी चाहिए, इस फिगर जैसी। तो आपको बस इसी को नोटिस करना है, ये आपको देखिए किसके अंदर दिया है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, इस तरीके की लाइन, ये आपका प्लस साइन के साथ में सर्कल और यहाँ पे ये आपका क्रॉस के साथ में सर्कल। तो बस इसी फिगर के अंदर है, इसमें देखिए प्लस साइन नहीं आना था, प्लस साइन नहीं आना था और ये आपका ऑपोजिट हो गया है, तो ये भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 39, इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो बीच में आपको दिख रहा है एक बॉक्स है, बॉक्स के नीचे कुछ डंडे हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और 6, तो बॉक्स के नीचे इस तरीके से 6 डंडे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर भी 6 ही हैं,
यहाँ पर भी छह ही है और यहाँ पर भी छह ही है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, चेंज कहीं और पर आया है। तो ये बॉक्स सेम टू सेम है, लेकिन बॉक्स के ऊपर जो एरो है ये चेंज हो रहे हैं। देखिए दोनों एरो नीचे है, एक एरो ऊपर है और एक एरो नीचे है, मतलब चेंज किस चीज का आया है कि एक एरो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। नेक्स्ट फिगर के अंदर दूसरा एरो भी कहां पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ ही। तो अब चेंज क्या आया है कि दूसरा एरो भी अपने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अब फिर चेंज क्या आया है कि जो पहला वाला एरो है वो वापिस से चेंज हो गया है नीचे की तरफ, मतलब दोनों जो एरो है वो इस तरीके से है कि दोनों की जो पोजिशन है पहले क्या है नीचे की तरफ है, सेकेंड के अंदर फिर ये ऊपर जाएगा, देन नेक्स्ट के अंदर ये ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट केस के अंदर एक नीचे जाएगा। तो अब नेक्स्ट केस क्या बनना चाहिए कि दूसरा वाला भी नीचे की तरफ ही जाएगा। तो इस फोर्थ वाले के बाद में जो फिफ्थ आएगा उसके अंदर ये सेकेंड एरो भी नीचे की तरफ पॉइंट करना चाहिए। तो देखिए एक ऊपर एक नीचे गया, एक ऊपर एक नीचे ये भी गया, दोनों ऊपर है आंसर नहीं हो सकता, जो बचा है आपका वही आंसर है। देख भी सकते हो दोनों जो एरोस हैं वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो डी इज दी करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 40 जो क्वेश्चन है इसके अंदर ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि हो क्या रहा है, ये जो आपका जो क्रॉस साइन है ये धीरे धीरे नीचे वाले बेस की तरफ मूव कर रहा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर के बीचों बीच है और एकदम टॉप पोजिशन पे है। अब इसके बाद में ये एकदम कहां पर दिख रहा है आपको, इस स्क्वायर के सेंटर में, तो यानी ये ऊपर से कहां मूव करा है, थोड़ा सा नीचे मूव किया है। इसके बाद में नेक्स्ट फिगर के अंदर ये स्क्वायर सेम पोजिशन पर है, मतलब एक बार स्क्वायर ने यहां पर मूव किया है, लेकिन यहां से यहां जाने में स्क्वायर ने मूव नहीं किया है। फिर देखिए नेक्स्ट फिगर में ये स्क्वायर, ये जो आपका क्रॉस है ये आपको दिखेगा, ये रहा नीचे मूव करा है, तो नेक्स्ट फिगर के अंदर स्क्वायर ने फिर से मूव किया है, मतलब स्क्वायर की मूवमेंट कैसी है, एक बार वो मूव करेगा फिर स्टे करेगा फिर मूव करेगा, तो ये आपकी स्क्वायर की मूवमेंट है। अब एक साइन और है इसके अंदर जो कि है ये डैश लाइन कह देते हैं या माइनस का साइन कह दीजिए, कैसे भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये माइनस साइन अगर आप देखते हैं तो ये स्क्वायर के सबसे बॉटम में है और सबसे राइट मोस्ट साइड में है, सबसे राइट साइड में है, लेकिन नेक्स्ट फिगर के अंदर ये सेम पोजिशन पर आपको दिख रहा है, जहां पर है वहीं पर दिख रहा है, तो यानी यहां पे इसने मूव सबसे पहले नहीं किया है। नेक्स्ट फिगर के अंदर इसकी मूवमेंट कुछ चेंज हुई है, ये पहले राइट में था, अब ये कहां आ गया, सेंटर में, अब ये सेंटर में आ गया है, तो यहां पे इसकी मूवमेंट हुई है। नेक्स्ट फिगर के अंदर देखिए ये बीच में था और अभी भी ये बीच में ही है, तो यहां पर मूवमेंट आपकी नहीं हुई है इस माइनस साइन की। तो अगर आप पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस ने मूव किया है लेकिन माइनस ने मूव नहीं किया है, यहाँ पे क्रॉस मूव नहीं किया माइनस ने मूव किया, मतलब अगर एक मूव करता है तो दूसरा मूव नहीं करेगा, तो ऑल्टरनेटिव मूवमेंट करेंगे। अब देखिए आपको सिर्फ देखना है कि लास्ट वाले में क्या चेंज हुआ है, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, इससे बस आप एक पैटर्न देखते हो कि क्या पैटर्न है। अब सिर्फ देखना है आपको कि यहां से यहां जाने में क्या चेंज हुआ है, उसके बेसिस पे आंसर डिसाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पे लास्ट स्टेप के अंदर आपका क्रॉस मूव किया है, तो अब जो आंसर वाली पोजीशन होगी वहां पे क्रॉस मूव नहीं करेगा, अगर क्रॉस इस पोजीशन पर था तो आंसर में भी इसी पोजीशन पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटर में है तो काट देते हैं, लेफ्ट में है तो काट देते हैं, यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे भी बीच में है। अब देखिए यहां से यहां जाने में ये जो माइनस साइन है इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो जब इसने पोजीशन चेंज नहीं की तो अब नेक्स्ट स्टेप में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, अगर ये पोजीशन चेंज करेगा तो क्या ये सेम टू सेम दिखेगी फिगर, नहीं दिखेगी, तो आपका डी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बचता है ऑप्शन नंबर ए जिसके अंदर आपका आंसर क्या आएगा, जो आपका जो क्रॉस साइन है वो यहीं पे रहेगा और जो माइनस साइन है वो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला जो फिगर है इसके अंदर ऐसे सिलेंड्रिकल फिगर दिया हुआ है, एक बार आप देखेंगे तो ये एक बार वर्टिकल है, एक बार हॉरिजॉन्टल है, फिर वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, तो यानी कि इसमें भी कुछ पैटर्न है, हॉरिजॉन्टल ये आपका है वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल ही है लेकिन फिर वर्टिकल है,
फिर से वर्टिकल है। तो पैटर्न आप अगर इसमें देखना चाहते हैं तो फर्स्ट चेंज आपको दिखेगा, देन ये एकदम सेम है, देन ये चेंज हो गया है, और ये दोनों में क्या रहा है, सेम रहा है। तो पहले चेंज हुआ है, सेम हुआ है, चेंज हुआ है, सेम हुआ है। तो अब जो इसके बाद की फिगर आएगी उसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट में क्या रहा है, सेम रहा है। तो अगर इस फिफ्थ वाली फिगर के बाद आप चेंज करोगे तो ये वर्टिकल से कहां चले जाएगा, हॉरिजॉन्टल में। तो अगर हॉरिजॉन्टल में जाएगा तो सारी फिगर देखिए हॉरिजॉन्टल में ही दी है, तो इस बेस पे आंसर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं और कौन सी चीज इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप ऊपर देखते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से दो साइन बने हुए हैं, जो साइन है वो इस तरीके से है, एक एरो ऐसे है और एक एरो ऐसे है। तो फर्स्ट फिगर में भी आपको ड्रम के ऊपर दिख रहा है क्रॉस साइन है, सेकंड फिगर में भी ड्रम के ऊपर दिख रहा है क्रॉस साइन है। मतलब क्रॉस साइन यहाँ पे क्या रहा है, सेम टू सेम रहा है। लेकिन सेकंड फिगर से थर्ड फिगर में जाने पे आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, साइन कुछ भी चेंज हो लेकिन चेंज हुआ है। अब यहाँ पे क्रॉस बन रहा था, यहाँ पे आ गया जेड लेटर, अब जेड से जेड रहा है, मतलब फिर से सेम रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। लेकिन जेड से फिर से साइन के अंदर चेंज हो गया है, तो ये है, इसे हम क्या कहेंगे, चेंज कहेंगे। मतलब जो ऊपर एक सिंबल बना हुआ है उसका भी एक पैटर्न है कि वो पहले सेम रहता है, फिर चेंज होता है, फिर सेम रहता है, फिर चेंज होता है। अब लास्ट में अगर आपका चेंज हुआ है तो अब क्या रहेगा, फिर से सेम रहेगा। मतलब जो आपकी आंसर वाली फिगर है उसमें ये वाला डिजाइन आपको एज इट इज मिलेगा। तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं हो सकता। आगे देखिए, अगर इस बॉक्स के अंदर मूव करते हैं तो यहां पे आपको दिख रहा है सारे व्हाइट हैं, सिर्फ एक ब्लैक डॉट है। इसी ड्रम को आप ऐसे लिटा दीजिए तो दो ब्लैक डॉट यहां पे आ गए, इसी ड्रम को फिर से खड़ा कर देंगे तो दो ब्लैक डॉट तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गया, तीन ब्लैक डॉट आ गए इस तरीके से। जब इसको फिर से आप देखेंगे तो फिर चार ब्लैक डॉट आ गए, अब फिर से इसको देखेंगे तो फिर कितने आ गए, पांच ब्लैक डॉट आ गए। तो एक लाइन पूरी ब्लैक हो गई और एक लाइन में एक ब्लैक आया है। तो अब इसके अंदर पांच ब्लैक डॉट हैं, तो सिक्स्थ फिगर के अंदर छह ब्लैक डॉट होने चाहिए। तो देखिए इसमें सारे ब्लैक हैं, आंसर नहीं हो सकता। इसके अंदर चार और तीन, इसमें सात ब्लैक हैं, आंसर नहीं हो सकता। इसके अंदर देखिए चार और दो छह, लेकिन इसमें चार और दो छह। अब आंसर आपको इस तरीके से देखना है कि यहाँ पे जो ब्लैक वाले हैं वो इस साइड में है चार, और इस साइड में होंगी दो, जो आपकी क्या होनी चाहिए, इसके अंदर ब्लैक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ब्लैक वाले किस साइड में चाहिए, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका ऊपर, जहाँ पे दो ब्लैक डॉट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, सी आंसर नहीं होगा। तो 41 का आपका आंसर कितना हो जाता है, ए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं, अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है राइट वाले बॉक्स के अंदर है, सेकंड में आपको स्टार दिख रहा है लेफ्ट वाले बॉक्स के अंदर है। जो सर्कल है ये यहाँ पे था, ये ऊपर चला गया, और यहाँ पे जो ये क्रॉस था ये इधर से इधर आ गया। अगर मैं आपसे इसकी मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट किस तरीके से हुई है, ये चला गया है यहाँ पे, ये वाला चला गया है यहाँ पे, और ये क्रॉस चला गया है यहाँ पे। स्क्वायर का तो कोई रिलेशन है ही नहीं बीच में, स्क्वायर का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो तीन फिगर थी ये आपस में एक ट्राइंगल की तरह मूव हुई है। ट्राइंगल का मूवमेंट देखिए कैसे होगा, जैसे एक हम त्रिभुज बनाते हैं तो उसके अंदर आपकी मूवमेंट इस तरीके से होगी। तो सिर्फ तीन ही फिगर ऐसी होंगी जो आपस में मूवमेंट शो करेंगी, यहाँ पे कुछ वैसा ही मुझे दिख रहा है। अगर देखिए हम इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं कि ऐसे ही मूवमेंट हो रही है तो आगे भी हमें ऐसा ही कुछ मिलना चाहिए। देखिए दूसरे से तीसरी फिगर में अगर आप जाएंगे तो ये क्रॉस यहां से यहां गया है तो ऐसा मूव हुआ है, ये सर्कल इधर से इधर गया है तो ऐसा मूव हुआ है, और ये एरो इधर से इधर गया है। मतलब अब पहले ये वाला इस तरीके से ट्राइंगल की मूवमेंट थी, यहां पर इस तरीके से ट्राइंगल की मूवमेंट है, तो इस तरीके से मूवमेंट आपकी चलती ही रहेगी। अब इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सर्कल यहां से कहां मूव कर गया है, इस वाली पोजीशन पे, यहां पे मूव कर रहा है राइट,
यहाँ पे मूव करा है, ये लेफ्ट और नीचे। तो बस इस पैटर्न को फॉलो करना है और फिफ्थ वाले का जो आगे वाला फिगर है वो ये आपको डिटेक्ट करना है इसके अंदर कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए एरो आपका मूव करा है, इसमें नीचे की तरफ यू साइन चला गया है ऊपर और जो ट्रायंगल है ये चला गया है लेफ्ट में। हर एक फिगर के अंदर आप देखेंगे ट्रायंगल बन पा रहा है। यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ये कुछ इस तरीके का है। तो ये चार जो पॉसिबिलिटी है इस स्क्वायर के अंदर यही चार पॉसिबिलिटी बनती है कि एक ऐसे बन सकता है, एक इसी तरीके से बन सकता है, एक ऐसा होगा और एक इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट होगा, जो फर्स्ट वाला है वो फिर से आगे रिपीटेशन में होगा। तो फर्स्ट वाला जो मूवमेंट थी इस तरीके से थी, बस ऐसे ही मूवमेंट फिफ्थ वाले ब्लॉक के अंदर लगानी है। तो अगर ऐसे मूवमेंट अगर हम करवाते हैं तो यहाँ वाला यहाँ आएगा, यहाँ वाला यहाँ आएगा, तो ट्राइंगल चले जाएगा नीचे, ये सी चले जाएगा ऊपर और यू चले जाएगा लेफ्ट की साइड में। तो आपकी जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको, जो ये स्क्वायर बॉक्स है इसमें लेफ्ट साइड में यू, इस साइड में सी, यहां पे मिलेगा आपको ट्राइंगल और यहां पे लेफ्ट साइड में एक नया कोई डिजिट सिंबल या कुछ भी चीज ऐड होगी जो चेंज होती रहेगी। क्योंकि आप देखोगे यहां पे स्टार था, आगे स्टार नहीं रहा, यहां पे यू आया, फिर आगे ये गायब होता चला गया। तो ऐसे यहां पे एक नया सिंबल होगा लेकिन यू सी और ट्राइंगल आपको ऐसे मिलेंगे, यू सी और ट्राइंगल। देखिए किस ऑप्शन के अंदर ये दिया हुआ है, यू सी और ट्राइंगल इसके अंदर है, बस यही आपका आंसर है, ये डी, यू सी एंड ट्राइंगल। और देखिए एक नया फिगर ऐसे वाला ऐड कर दिया है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसी का मूवमेंट बस पता करना था, ये वाला ट्राइंगल बनना चाहिए। इसमें तो सी भी नहीं है और एक दो नए ऐसे आ गए, तो ये आंसर नहीं है। यू सी ट्राइंगल और ये स्क्वायर है, यू सी नहीं है इसके अंदर, तो ये भी आंसर नहीं है। बस यही आपको देखना था, एक नया फिगर ऐसे ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 43, इसके अंदर आप देखिए ये वाला जो इस तरीके से बनाया गया है ये लॉलीपॉप जैसा बना रखा है, ऊपर ऐसा ये सर्कल है, नीचे एक तरीके की ये डंडी है। बस इसी को अगर आप 90 डिग्री रोटेट कर देते हो तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आएगा। यहां से यहां फर्स्ट से सेकंड ब्लॉक के अंदर जाने में, फर्स्ट से सेकंड स्क्वायर में जाने पे इसने क्या किया है, इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे रोटेट किया है और लेफ्ट से पहुंचा दिया है राइट वाली साइड पे, इस स्क्वायर की लेफ्ट साइड से स्क्वायर की राइट साइड में पहुंचा दिया है और लेफ्ट साइड में एक नया सिंबल ऐड किया है। ये है जो कंप्लीट इसके अंदर ओवरऑल चेंज हुआ है, जो ट्रांजिशन हुई है, जो भी कह सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इस ट्रायंगल की जगह पे एक नया सिंबल ऐड होगा जो कि है ये इस तरीके का एरो, और ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होके चले जाएगा अगले वाले स्क्वायर के राइट साइड में। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधा मूव करना है इस पांचवे वाले स्क्वायर पे, क्योंकि हमें पता चल गया पैटर्न क्या बन रहा है। अब फिफ्थ स्क्वायर के अंदर आपको पता है कि जो भी लेफ्ट साइड में ये सिंबल बना है इसको 90 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज, तो ऐसा बनेगा और उसे पहुंचा देना है स्क्वायर के राइट साइड में, ठीक है। तो ये आपका सिंबल इस तरीके से बनना चाहिए और लेफ्ट साइड में एक नया सिंबल ऐड होगा जो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो एस 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 ऐसे बना हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसे ही आ रहा होगा इस तरीके से। लेकिन आपको चेक किस चीज को करना है, आपको एस को चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है इस एम को, ये एम जहां पे आपका इस तरीके से बन रहा है वही आपका आंसर है, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होना है। तो इसमें नहीं है सीधा एम है, एरो नहीं, एम इस तरीके से नहीं होगा, ऐसे तब होता जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता, तो क्लॉकवाइज रोटेशन एम का इसी में है, तो इसके बेसिस पर ही आंसर मार्क किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगली फिगर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी फिगर को जस्ट मिरर इमेज बना दिया गया है, ये फिगर ऐसी है ठीक है पेंसिल जैसा, इसी को अगर आप मिरर इमेज बनाते हो उल्टा करके बनाते हो तो ये ऐसी दिखती है, बीच में आप इसके मिरर लगा दीजिए तो जस्ट इसकी ऑपोजिट आपको ऐसे दिखेगी। अगर आप ये तीसरी वाली फिगर का भी बनाते हो तो ये चौथी वाली फिगर इसकी मिरर इमेज है, तो आपको पता लग गया कि फिफ्थ के बाद जो छठी फिगर आएगी उसमें इस ट्रायंगल का मिरर इमेज होगा, यानी ऐसा कुछ ठीक है। और यहां पे इसका भी मिरर इमेज है, मिरर इमेज इसका नहीं है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। ये देखिए यहां पे जो फर्स्ट फिगर के अंदर ये बन रहा है
और यहाँ पे जो ये फिफ्थ फिगर के अंदर बन रहा है तो ये रिपीटिशन में है एक तरीके से। तो जो सेकंड फिगर है उसके बाद जो छठी फिगर आएगी उसमें भी सेम टू सेम एरो होना चाहिए, मतलब ट्राइंगल के नीचे ऐसा एरो आएगा जैसा कि सेकंड फिगर के अंदर है। तो कई तरह का पैटर्न हो सकता है कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फिर सेवेंथ, ऐसे करके फिगर सेम हो सकती है, या फिर फर्स्ट और फिफ्थ सेम हो सकती है, सेकेंड और सिक्स सेम हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस बनता दिख रहा है। अब देखिए आपके अंदर सर्कल बना हुआ है, सर्कल ऐसा है हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे सर्कल है लेकिन अंदर कैसा है वर्टिकल में, यहाँ पे कैसा है वर्टिकल, तो ये हो गया क्या हॉरिजॉन्टल, मतलब ऑपोजिट है दोनों। तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर हॉरिजॉन्टल है तो अब जो आंसर फिगर होगी उसके अंदर कैसा होना चाहिए, ऐसा वर्टिकल जैसा। तो अब इस फिगर को देखिए, ये फिगर जिससे मैच हो रही है वही आपका आंसर है। यहाँ पे ट्राइंगल अलग बना हुआ है, यहाँ पे आपका ये एरो गलत है, इसमें आपका एरो नीचे है, इसके अंदर ये देखिए तिरछा बना हुआ है इस तरीके से, तो तिरछा तो बन ही नहीं रहा, या तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या तो स्ट्रेट वर्टिकल। तो ये जस्ट इसका ही एकदम कॉपी है ये देखिए। तो ऑप्शन नंबर ई आपका एकदम करेक्ट आंसर है इसके अंदर। लास्ट जो इसके अंदर क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए आपकी जो फिगर है इसमें यहाँ पे ये वाला जो आपका साइड है और इसका जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है ये एकदम सेम टू सेम है, मतलब ये वाला फिगर सेम है, ऐसे ही इसमें ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम है। तो इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला, ऐसे वाले सेम है। तो इसका जो लास्ट है ये इस शेप के अंदर है, तो जो आंसर फिगर है उसके अंदर फर्स्ट वाला जो फिगर होना चाहिए कि ऐसे ही शेप में होना चाहिए, तो इसमें है और इसके अंदर है। तो बी आंसर नहीं होगा, ई आंसर नहीं होगा। अब इसके अंदर देखिए स्ट्रेट लाइन है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब सिर्फ बचता है कि ऐसे जाएगा या फिर सीधा जाएगा। तो अगर आप हर बार देख पा रहे होंगे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के ही अंदर हैं, सेम टू सेम नहीं जा रहे हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए। अगर आप एक चीज और देखेंगे तो हाँ, इसके अंदर ये भी दिख रहा है कि रिपीटेशन है, ये वाला जो फर्स्ट वाला है ऐसे और ऐसे, और ये जो थर्ड वाला है इस तरीके से और इस तरीके से, पहला और तीसरा सेम है, तीसरा और पांचवा ये भी सेम है। तो अब जो आंसर फिगर है उसमें क्या होगा, टू सेम है, फोर के साथ भी सेम है, और जो नेक्स्ट आएगी सिक्स्थ फिगर वो भी सेम टू सेम होगी, मतलब जो आपकी आंसर बनता है उसको आप सेम टू सेम मैच कर लीजिए, या तो इस सेकंड फिगर से या तो इस फोर्थ फिगर से, वही आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं ये और ये वाली फिगर मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ए कहीं से भी मैच नहीं हो रही है इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।